अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड मुझे विदाकर की लास्ट एपिसोड का प्रोमो जारी हो चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि आखिरकार सफ़ीद की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है और रिदा को बिहाने आ जाता है। दुल्हन बनी रिदा वाकई इस बार बहुत हसीन लग रही होती है। सादी अपनी सहेली को यूँ तैयार होता हुआ देख कर कहती है, तुम्हारी नई खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ होने को है, आंखों पर ख्वाब से जाकर लेकर जाओ, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वाकई सफ़ीर जैसे शख्स किसी का भी आइडियल हो सकता है, इतना ख्याल और मोहब्बत करने वाला शौहर। दूसरी तरफ काशवा उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, उसका अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था, यहाँ तक कि एक बाल उसे तलाक दे देता, क्योंकि जो कुछ उसने अपने भाभियों और भाइयों के साथ किया उनका घर तोड़ने के लिए, वो भी यही सब कुछ डिज़र्व करती है। और इकबाल वापस आता है सिर्फ अपने साथ गुड्डू को ले जाने के लिए। गुड्डू को ले जाते हुए देखकर उसके सास और ससुर देखकर तड़प जाते हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो, जानते नहीं काशवा की हालत कैसी है, कुछ तो तरस खाओ हम पर और इस घर पर। जवाब में इकबाल गुस्से में आकर कहता है, मैं अपने बेटे को इस घर में नहीं छोड़ सकता जहाँ तुम जैसे लोगों की तरह बेज़मीर और बेहिस लोग रहते हो। इस घर पर तरस खाऊँ जिस घर में बहुओं को ब्याह कर लेकर आने के बाद नौकरों से बदतर सलूक किया जाता है। इधर हबीब साहब शहर में मारे मारे अपने बेटे को ढूंढते फिर रहे हैं और जब उसे ढूंढकर घर लाते हैं तो उस्मान की हालत देखकर मजीद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो किसी को पहचान ही नहीं रहा। ऐसे पैसे का क्या करना जिस पैसे के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बेटों को मुट्ठी में रखना चाहा। अज़र तो समझदारी से इनकी मुट्ठी से निकल गया, मगर जो पीछे रह गया वो बर्बाद हो गया। उस्मान की माँ को भी अब रोना आ रहा है कि हमने खुद अपने हाथों से उस्मान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसका सब कुछ छीन कर। काशवा जब अपने बेटे के जाने के बाद मज़ीद पागल हो जाती है, वो अपने बाप को इल्ज़ाम देते हुए कहती है कि रोका क्यों नहीं इकबाल को, क्यों लेकर जाने दिया उसे गुड्डू को। जवाब में हबीब साहब काशवा को गुस्से से कहते हैं, बस कर दो, तुमने जो ज़्यादती अपने भाइयों से की है ये सब उसी का नतीजा है, पता नहीं किस बात का बदला लिया तुमने। काशवा कहती है, इस सब में आप लोग भी शामिल थे, मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं इस सब का। रिदा सफ़ीर के साथ अब बहुत खुश है। सफ़ीर रिदा को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ उस्मान नशा करके बेहोश पड़ा हुआ होता है और वहाँ उस्मान का बाप उसे उठाने में मसरूफ़ होता है। रिदा तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस्मान को इस हालत में देखेगी। उस्मान अगर स्टैंड ले लेता रिदा के लिए तो उसका घर और बीवी दोनों बच जाते, मगर उस्मान की कमज़ोरी ने उसे एक हारा हुआ इंसान बना के रख दिया। तो फ्रेंड्स आपको मुझे विदा कर का एंड कैसा लगा, उस्मान और उसके घर वालों के साथ जो कुछ हुआ क्या आपको लगता है वो सब ठीक था या इससे भी ज़्यादा बुरा अंजाम होना चाहिए था, इस बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।